घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। क्यों राइटर राजीव राय को पसंद नहीं है रिमिक्स? किसे दिए राजीव ने पॉपुलर गाने के राइट्स? बॉलीवुड में इन दिनों और एक फिल्म का सीक्वल बनने की चर्चा हो रही है। उस फिल्म का नाम है त्रिदेव 2। 1989 की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव ने दर्शकों का काफी मनोरंजन किया। फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों के किरदारों तक सब कुछ परफेक्ट था। सनी डियोल, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह, इन तीनों ने मिलकर फिल्म में जान डाल दी। फिल्म में ये देखना काफी दिलचस्प था कि कैसे ये तीन नौजवान एक साथ आकर दुश्मन से बदला लेते हैं। इन तीनों के इसी अंदाज के कारण फिल्म का नाम त्रिदेव सही साबित हुआ। अब इस फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ सालों तक दूर थे, पर फिर भी एक बार फिर फिल्म दुनिया में आकर वो सीक्वल बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो उसके पास ये आइडिया लेकर गए थे खुद दबंग खान यानी सलमान खान। सलमान सीक्वल को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने खुद डायरेक्टर से मिलकर बात की, पर राजीव इस बात से पहले खुश नहीं थे। वेल, आप अभी भी सोचेंगे कि फिर ये कैसे राजी हो गए, तो इसके बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे रिमेक बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म की खूबसूरती रिमेक बनाने से कम हो सकती है और फिल्म का मजा भी कम हो जाता है, इसलिए मैं अपनी पुरानी फिल्म के गाने भी दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं करता। वैसे ये रिमेक नहीं है, कहानी पूरी तरह से नहीं होगी और सलमान भी मेरी शर्त के लिए राजी हो गए। पर अगली खबर सुन के आपको हैरानी होगी, क्यों? अरे बताते हैं। दरअसल रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में टिप टिप बरसा पानी इस गाने को रिक्रिएट किया गया था। वो असल में राजीव की फिल्म मोहरा का ही गाना है। खुद अपने गाने इस्तेमाल ना करने वाले राजीव ने फिर गाने के राइट्स रोहित शेट्टी को कैसे दे दिए? क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडस्ट्री में अभी ऐसा समय है जहां फिल्म मेकर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, तो अब हम इसे एक्सेप्शन के तौर पे कह सकते हैं। अब फिर से बात करते हैं सलमान खान की, और शायद ही सलमान इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। उनके अलावा फिल्म के बाकी कास्टिंग की बात करें तो अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। काफी लोगों को ये भी लग रहा है कि जैकी श्रॉफ, जो सलमान के काफी अच्छे दोस्त हैं, वो इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। सबको भिड़ू बोलने वाले डैशिंग जैकी दादा सच में सलमान को अपना छोटा भाई मानते हैं। सलमान के करियर को शुरू करने के लिए उन्होंने भी काफी प्रोड्यूसर से उस टाइम बातचीत की थी, और वैसे भी सलमान अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके लिए ये खास मौका हो सकता है। अभी उनका क्या फैसला होगा ये तो पता नहीं, पर इस सीक्वल के अनाउंसमेंट से सबको काफी खुशी जरूर हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून।